जय हिंद दोस्तों, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि CUET 2024 एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, मतलब कितने मार्क्स पर कितने स्कोर पर आपका भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होगा। आपने जो अभी CUET एग्जाम दिया है उसमें आपका कितना स्कोर आने पर DU में एडमिशन होगा, JNU में, BHU में, कितने में होगा, ओके? और अगर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपको इतना स्कोर नहीं आता है तो दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, जिसके थ्रू आप भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। वो भी तरीका आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, आपको एंड तक देखना है। और जो लोग कमेंट में ये लिखने वाले हैं कि सर आप इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हो, तो भैया वो वीडियो हमने CUET एग्जाम के पहले बनाया था। ये CUET एग्जाम के बाद का वीडियो है, जब हमने CUET एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल देख लिया कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, पेपर कैसा था, कितना स्कोर आ सकता है, उसके ऊपर ये वीडियो हमने बनाया है। तो आप एंड तक देखो और चैनल पर बने रहो, क्योंकि भैया जब तक आपका एडमिशन भारत के टॉप कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका वादा है। क्लियर? वेरी गुड। तो आज हमने तीन बड़े यूनिवर्सिटी का उदाहरण लिया है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, उसके बाद BHU एंड JNU। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑल ओवर बाकी यूनिवर्सिटीज का क्या हाल रहने वाला है, क्योंकि DU, BHU, JNU ये प्राइम टारगेट होता है ज्यादातर बच्चों का। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, AMU, इसके ऊपर आप अपना देख लेना, एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि इतना आ सकता है। तो जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो DU में जो हमारा नॉर्थ कैंपस है, DU का सबसे बड़ा और सबसे मेन कैंपस जिसको नॉर्थ कैंपस बोला जाता है, उसमें अगर आपने 800 नंबर का पेपर दिया है, मतलब तीन डोमेन प्लस आपने एक लैंग्वेज का पेपर दिया है, कोई भी जो आपके क्लास 12th में था, तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 750 मार्क्स से ऊपर लाना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। मतलब अगर आपको SRCC, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोरीमल, रामजस, इन सब में एडमिशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि 740 में नहीं होगा, 730 में नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि 750 अगर आ गया तो आप सेफ हो, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और वहीं हम अगर EWS की बात करें तो आपको 700 से ऊपर लाना पड़ेगा कम से कम EWS वाले को भी। मैं कहता हूं भैया अगर आप थोड़ा अगर टेक्निकली देखोगे तो 730 के ऊपर लाना पड़ेगा EWS को भी, और OBC को भी 700 से ऊपर ही लाना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने के लिए। और STSC की जब हम बात करें तो 650 से ऊपर कम से कम लाना पड़ेगा। और यदि आपने अगर 600 नंबर का पेपर दिया है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीन डोमेन, तो कम से कम आपको 430-450 नंबर से ज्यादा स्कोर तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता, चाहे आप किसी भी OBC, STSC, EWS किसी से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने दिमाग में यह डाल लो, जनरल हो तो 750 मार्क्स, EWS हो तो भी 730 मार्क्स, OBC हो तो 700 मार्क्स, STSC हो तो 650 से ऊपर मार्क्स आउट ऑफ 800 करना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस के लिए। अब अगर इससे नीचे अगर स्कोर आता है तो क्या आपका एडमिशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस भी है, साउथ कैंपस में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे कि लेडी श्रीराम कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, PGDAV कॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है। तो उनमें एडमिशन लेने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 800 में से 630 या फिर 650 से ऊपर तो आपका स्कोर रहना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो, मतलब आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, राइट? अगर आप जनरल से हो। और वहीं अगर हम बात करें EWS की, तो भैया EWS वाले को कम से कम 600 से ऊपर मार्क्स करना पड़ेगा, OBC वालों को भी 600 से ऊपर करना पड़ेगा, और STSC को 570 या 550 मार्क्स से कम ऊपर लाना पड़ेगा अगर आपको साउथ कैंपस में एडमिशन चाहिए। भैया दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां पर अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका करियर सवर जाएगा, आपको ना फीस की टेंशन है, ना आपके मां बाप को कभी कोई किसी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम होने वाली है। ये मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए बोल रहा हूं, राइट? अब बात आती है कि अगर इससे भी कम स्कोर आया तो भैया क्या होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमारा स्कोर तो इतना अच्छा गया नहीं था, सॉरी हमारा एग्जाम तो इतना अच्छा गया नहीं था, पेपर में बहुत सारी कंफ्यूजन थी, डाउट थी, वगैरह वगैरह। तो उस केस में आपका ऑफ कैंपस में एडमिशन हो सकता है या फिर इवनिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, जो कि ठीक ठाक कॉलेजेस होते हैं। तो उसमें भी एडमिशन लेने के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आपको 550 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। मिनिमम मैं स्कोर की बात कर रहा हूं, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप EWS से हो तो 500 से ऊपर, अगर आप OBC से हो तो भी आपको 500 से ऊपर करना पड़ेगा, और अगर आप STSC से हो तो भैया आपका 450 मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाएगा ऑफ कैंपस में।
तो अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर 600 से नीचे आ रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब ऐसे केस में आपका कहां एडमिशन होगा यह जानने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा ऐसे है, ध्यान से सुनना, कान खोलकर आपकी जिंदगी बचल सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग गया है कि सर मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा हूं, रिस्क है मेरा एडमिशन होने में, रिस्क हो सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको मैं एक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन बताता हूं आपके लिए आज के समय, जहां पर आप भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि है थ्रू collegevidya.com। अब भैया collegevidya.com क्या है? देखो collegevidya.com के बारे में आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में collegevidya.com का लिंक डाल रखा है, यहां पर आ जाओ, ठीक है? यहां से आपका किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। देखो अगर आपको पता लग गया ना स्टेप वन कि स्कोर उतना नहीं है तो क्या करना है, collegevidya.com पे आना है, राइट? अभी मैं आपको बता रहा हूं और ऑप्शन बताऊंगा, पहले आप collegevidya.com पे आओ। इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन है। ऑलरेडी 4000 से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले चुके हैं जो मेरा लिंक है ना, सिर्फ उसके थ्रू आपके ही कलीग्स लोग जो आपके साथ पढ़ रहे हैं ना, वो लोग एडमिशन ले चुके हैं। तो करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या वेबसाइट पर आपको आना है, यहां पर आपको अपना सब चीज क्रिएट कर लेना है, यूजर नेम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह साइन इन कर लेना। collegevidya.com भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आज के समय जितने भी भारत की टॉप यूजीसी रजिस्टर्ड, यूजीसी एफिलिएटेड, जितने भी ऑनलाइन लर्निंग यूनिवर्सिटीज है, जितने भी भारत के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज है, सारे के सारे यहां पर रजिस्टर्ड है। सारे के सारे में आप देख सकते हो किसमें किसकी क्या फीस है, किसकी क्या प्लेसमेंट लगती है, किसमें क्या पढ़ना है, किसमें कितना क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो भी चीजें होती है बेसिक, सारी चीजें आपको यहां पता लग जाएगी। तो आप यहां पर आओ, अपना अकाउंट वगैरह बनाओ, साइन अप साइन इन का ऑप्शन आपको ऊपर दिख जाएगा, यहां पर कर लेना, अकाउंट बना लेना। उसके बाद यूजी कोर्स में आना। अब आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, बीटेक करना है, बीए मास कॉम करना है, कुछ भी करना है, कोई भी कोर्स, आपको सिंपली यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या पता है कि आप डुअल डिग्री कर सकते हो, एक साथ दो दो डिग्री, मतलब डीयू में भी एडमिशन कल को हो गया तो चलेगा और यहां से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो। यहां से आपका भारत के टॉप बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में, वर्ल्ड के एमएनसीज में जॉब लग सकता है घर बैठे बैठे, मतलब आपका फीस भी बचेगा कितना सारा, आप सोच के देखो। आपको कहीं बाहर रहने जाने खाने पीने का टेंशन नहीं, आपका डिस्ट्रैक्शन का मतलब डिस्ट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है, इतना बड़ा और इतना बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, राइट? तो करना क्या है, मान लो आपको एडमिशन लेना है ऑनलाइन बीकॉम पे, तो ऑनलाइन बीकॉम पे आप क्लिक करोगे, या फिर आपको एडमिशन लेना है किसी और कोर्स में, तो मान लो बीकॉम पे एडमिशन लेना है, तो बीकॉम के लिए ये सारी यूनिवर्सिटीज खुल गए। नीचे जाओगे व्यू मोड पे और यूनिवर्सिटी देख सकते हो, ये है एमईटी ऑनलाइन, ठीक है? तो एमईटी का फीस वगैरह सब खुल जाएगा, एमईटी में क्या क्या फैसिलिटीज है सब आप देख सकते हो, फीस कितना लगेगा ये भी देख सकते हो, घर बैठे बैठे पूरी पढ़ाई चलेगी। प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी आएंगी, देखो एचपी, नेस्ले, IBM, Infosys, Mercedes, Benz, Microsoft, Wipro, ये सारे बड़े बड़े MNCs आपको जॉब देने वाले हैं घर बैठे बैठे। और मेरा जो लिंक जो नीचे दे रखा है ना डिस्क्रिप्शन कमेंट में, उस लिंक पे जाकर तो आपको 7000 रुपए का प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम फ्री में मिल जाएगा उस लिंक से एडमिशन लेने पर। तो यहां पर आओ, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी करो, एडमिशन ले लो, राइट? स्कोर कम आ रहा है, एडमिशन ले लो, फिर अगर CUET का कट ऑफ आता है, कॉलेज की एडमिशन हो जाती है, तो वेल एंड गुड, वहां भी एडमिशन ले लेना। एक साथ दो दो डिग्री कर सकते हो, मान लो कॉलेज से आपने बीकॉम कर लिया, यहां से आपने बीए कर लिया, एक साथ दो दो जगह आपका एडमिशन हो जाएगा, डुअल डिग्री आप कर सकते हो, तो आपका फ्यूचर में कितना अच्छा प्लेसमेंट लगेगा सोच के देखो। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, घर बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन ही एग्जाम होगी एंड ऑनलाइन घर बैठे बैठे प्लेसमेंट लग जाएगा, तो और क्या चाहिए, फीस भी कम है। तो आओ एडमिशन ले लो, एडमिशन ओपन हो चुका है सारे ही यूनिवर्सिटीज का, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, कोई 12th के मार्क्स का टेंशन नहीं, जस्ट अगर आप 12th पास आउट हो तो आप एडमिशन ले सकते हो और ग्रेजुएशन कर सकते हो, राइट? इसके लिंक इस वीडियो के कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन है। अब जब हम बात करते हैं सेकंड बड़े यूनिवर्सिटीज की, तो वो है भैया BHU। अब BHU का क्या सीन है, ध्यान से सुनिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा सीन अलग है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जितना यहां पर भी कॉम्पिटिशन काफी हाई होता है, लेकिन थोड़ा यहां पर आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आपको BHU में जाना है, अगर आपने 650 मार्क्स के हिसाब से पेपर दिया है, तो कम से कम आपको 490 तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप EWS से हो तो भी 480, OBC से भी 480 और STSC से 460 मार्क्स से ज्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 650, ठीक है?
और यहां भी आप देख सकते हो अगर आपने 600 नंबर का पेपर के लिए अप्लाई करा है तो 420 कम से कम आपको स्कोर करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 410, ओबीसी में 410 और एसटीएससी में 370। मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है और एसटीएससी में रिलैक्सेशन है लेकिन सीट कम है और जनरल में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, राइट। उसके बाद बात करते हैं अगर आपने एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट वाला पेपर के लिए अप्लाई करा है, जैसे बीए में आपको एडमिशन लेना है तो उस केस में 350 में से आपको 270 स्कोर करना पड़ेगा। सॉरी ये थोड़ा सा यहां पे नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। जैसे आपने एक लैंग्वेज दिया 200 मार्क्स का और एक जनरल टेस्ट दिया तो टोटल आपका बनता है 450 मार्क्स का, तो 450 मार्क्स में से कम आपको 370 स्कोर करना पड़ेगा, फिर सो ऑन, ठीक है। यहां पर आप ऐसे लगा लो 360, यहां पर इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर लेना। मतलब कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है, नेक टू नेक कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। बहुत भयंकर लेवल की कंपटीशन आपको देखने वाली है बीएचयू में भी। और हम बात करते हैं लास्टली जेएनयू की, तो जेएनयू में टोटल जो आपका पेपर होने वाला है, मतलब टोटल जो पेपर हुआ है जेएनयू के लिए वो 450 मार्क्स का हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक लैंग्वेज हुआ है जेएनयू में प्लस आपका जनरल टेस्ट एप्लीकेबल है फॉर बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज होता है। मतलब 450 में से कम जनरल वालों को 400 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको मान लो फ्रेंच ऑनर्स करना है, आपको कोई बढ़िया जो जैसे एशियन लैंग्वेजेस होते हैं जैसे चाइनीज हो गया, कोरियन हो गया, जापानीज हो गया, तो उसमें अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 395 आप लगा लो, जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो 392 प्लस लगा लो और एसटीएससी में कम से कम 370 प्लस आपको लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपटीशन इतना टफ क्यों है? आपको ऐसा लगेगा भैया इतना ज्यादा स्कोर क्यों? क्योंकि भैया बच्चे बहुत इस साल अप्लाई किए थे। अब इतने सारे बच्चे इस एग्जाम में अपीयर करेंगे तो आप सोच के देखो, सीट्स तो यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि सीट पिछले साल से बढ़ गया है, सीट आज भी उतना है, कैपेसिटी उतना है, स्टूडेंट बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ फिर हाई होगा। इट इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो घबराइए मत, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इतना सोचने से नहीं होता, आपका एग्जाम निकलेगा 110% आपका ये एग्जाम निकलेगा, आप घबराओ मत। आप बस यूईटी की तैयारी आपने बढ़िया से करी है, अब थोड़ा सा कॉलेजेस के ऊपर रिसर्च करो कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। कॉलेज विद्या वाला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी अगर आपको और कॉलेजेस के बारे में जानना है तो भैया कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाऊंगा कॉलेजेस के रिव्यूज के ऊपर कि आपको मजा आ जाएगा, राइट। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।